यूज करते हो कि अरे नीम तो एंटीबैक्टीरियल है, वो हमारे पिंपल्स को बिल्कुल बाय बाय कर देगा। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। गाइस आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। आपको लग रहा होगा ये तो कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी प्रॉब्लम सिर्फ सोचने के लिए होती है, बट जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वो इस पिंपल की प्रॉब्लम से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कितना भी कुछ कर ले अपने फेस पे, बट ये जो पिंपल्स होते हैं वो उसको बिल्कुल भी वो जाते नहीं हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी जो ब्यूटी होती है, जो रियल ब्यूटी होती है, वो तो बिल्कुल ही एंड हो चुकी होती है, क्योंकि अगर हमारा फेस भले ही डार्क हो, वाइट ना हो, फेयर ना हो, बट अगर हमारा जो फेस है वो अगर क्लीन है, क्लियर है, ग्लोइंग है, तो अपने आप वो सुंदरता झलकती है हमारे फेस पे। वैसे तो फेस से कुछ नहीं होता है, अगर आपका नेचर सही है, आपका बिहेवियर सही है, आप मिलजुल कर हंसते बोलते रहते हो, तो भी आपकी सबसे बड़ी सुंदरता होती है। बट हाँ, इनर ब्यूटी भी ज़रूरी होती है एंड जो आउटर ब्यूटी होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग जब इनर ब्यूटी को इतना ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, तो आउटर ब्यूटी को भी हम लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। पिंपल्स की ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, खासकर उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जो लोग टीनएजर्स होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ये जो उम्र का पड़ाव होता है स्टेज पे आने पे, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी चेंज होने लगते हैं कि उससे ये पिंपल्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी किसी को काफ़ी सारी हॉर्मोन्स चेंजेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन और बिग प्रॉब्लम होती है वो पिंपल्स की होती है, जिसकी वजह से जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी इस पिंपल की प्रॉब्लम से। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 100 में आपको 99% टीनेजर्स इस प्रॉब्लम से ज़रूर जूझते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारी भी जो उम्र थी, आपकी भी जो उम्र है, अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है, मतलब टीनेजर से भी आप हो गए, 30-40 के भी हो गए हैं, तो भी आप खुद अपने पास्ट में सोचो कि जी आपकी जब 16-17-15 साल की ऐसी उम्र थी तब आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हुई होगी। सो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है और बड़ी भी है, दोनों तरह की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं और लोग कहते हैं कि भाई थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाएंगे। काफ़ी हद तक ये सही भी है कि जब आपकी थोड़ी एज बढ़ेगी, जब आप 30-40 के हो जाओगे, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ये बहुत हद तक बिल्कुल कम हो जाती है, किसी किसी की बिल्कुल चली जाती है। बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर आप 30-40 के भी हो जाओ, 50 के भी हो जाओ, तब तक किसी किसी को ये पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है या बहुत ज़्यादा आपके हॉर्मोन्स चेंज होते ही रहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। सो गाइज, आज इसी पे ही हम पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे कि पिंपल्स होते क्यों हैं और इसका रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको कोई भी कॉस्मेटिक सजेशन नहीं दूंगी कि आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लो तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। मैं आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगी, एक ऐसी मैजिकल, एक आपको मैं रेमेडी बताऊंगी, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगी जिसको आप जब यूज़ करोगे तो गाइज आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपके पिंपल कहाँ चले गए। आपको कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी डॉक्टर के पास आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि ये जो जड़ी बूटी है ये क्या है, किस चीज़ में काम आती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मैं पूरा आपको डिटेल में मैं इसको कवर करूंगी, इसलिए आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं ये आपको जड़ी बूटी बताऊंगी ये 100% नेचुरल है और बिल्कुल एक कुदरती देन है हम लोगों को, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है। सो गाइज, पहले हम जानते हैं कि पिंपल होता क्यों है। देखिए, पिंपल जो होते हैं वो हॉर्मोन्स चेंजिंग के वजह से होते हैं, जो जैसे हम लोग 12-13 साल से जब ऊपर आते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो एकदम से चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो जो स्पीड चल रही होती है उससे दुगनी स्पीड में वो हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जिससे हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं और हमारी स्किन में भी बदलाव आते हैं। इसी वजह से जो ये पिंपल की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किसी किसी को इतनी बढ़ जाती है कि लॉन्ग टाइम तक उनके साथ चलती है।
अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसकी वजह से भी ये पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो, आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हो, आपका रूटीन नहीं है, अगर आप पॉल्यूशन में अपने फेस को ढक के नहीं रखते हो, अगर आप सन के डायरेक्शन में आते हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। एंड अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पिंपल्स तो चलो अब हो गए, हम लोगों ने जान भी लिया कि पिंपल्स क्यों होते हैं, बट अब इसका रास्ता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें ये जानते हैं कि अब इसका रास्ता क्या है, हम लोग को इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो अब जानते हैं। देखिए, अगर आपके पिंपल बहुत ज़्यादा हैं, पहली चीज़ तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपनी स्किन को थोड़ा ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी आप वाइप ले लो, टिश्यू ले लो, तो थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने फेस को अच्छे से टैप करते हुए जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करो, ठीक है। सुबह उठने के बाद आप फेस वॉश करो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका रात में, रात भर जितना भी आपके फेस पे जितना भी एक्सेस ऑयल जमा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा, जिससे पिंपल काफी हद तक कम हो जाएंगे। पानी प्रॉपर पियो, अगर आप बाहर जा रहे हो अपने फेस को ढक कर रखो, ठीक है, ज्यादा गर्मी में मत रहो। मतलब ये सब आप थोड़ी सी सावधानियां रख सकते हो। अपना जो डाइट है वो आप डाइट अपना हेल्दी रखो, ज्यादा फास्ट फूड यूज मत करो। तो इन सब चीजों को आप फॉलो करके आप ये सब सावधानियां रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों ने जान लिया कि सावधानी क्या रखनी है, अब हम लोग आगे ये जानते हैं कि ऐसी वो क्या चीज है जिसको यूज करने पे आपके जो पिंपल है वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज है जिसे आपके पिंपल हमेशा के लिए चले जाएंगे और आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है सहमल की जड़। आपने इसका नाम सुना नहीं होगा अब तक, काफी लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है और काफी लोगों को, बट मैं श्योर हूँ कि अधिकतर लोगों को सहमल के बारे में नहीं मालूम होगा। काफी लोगों को पता है, वो बात सही है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। अधिकतर सभी लोग आपको ये सजेशन देते हैं, टीवी में भी एड्स आते हैं कि आप नीम की पत्तियों से नहाओ, आप नीम की पत्ती के छतियों को पीस के लगाओ, नीम का साबुन यूज करो, नीम का फेस वॉश यूज करो। तो आप ये सब यूज करते हो कि अरे नीम तो एंटीबैक्टीरियल है, वो हमारे पिंपल्स को बिल्कुल बाय बाय कर देगा। तो हाँ, ये बात सच है कि जो नीम होता है वो हमारे पिंपल्स को बहुत दूर दूर तक ठीक कर देता है, मतलब बहुत हद तक कम कर देता है, क्योंकि नीम एंटीबायोटिक का काम करता है और वो सच में हमारे जो पिंपल हैं, जो एक्ने हैं, तो रैशेज हैं, वो इन सबको दूर करता है। बट इससे भी ज्यादा अच्छा होता है सहमल। सहमल का जो पेड़ होता है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है हमारी स्किन के लिए। यहाँ तक जो सहमल का पेड़ होता है वो उसकी सिर्फ छाल ही नहीं, उसकी पत्तियाँ, उसके उसमें जो कांटे होते हैं वो तक इतने ज़्यादा गुणकारी होते हैं, इतने बेनिफिशियल होते हैं हमारी स्किन, हमारी जो फुल बॉडी है उसके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जब आप उसको खुद, आप गूगल में इसके बारे में आप सर्च करना है एक बार, जब आप गूगल में इसके बारे में सर्च करोगे तो आप इसके गुणों को जान के खुद हैरान रह जाओगे कि अरे ये तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो जब आप इसको अलग से सर्च करना गूगल में, मैं खुद आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसको गूगल में सर्च करना, इसके बेनिफिट्स को आप जानना, तो आप खुद इतने ज़्यादा हैरान हो जाओगे इसके गुणों को देखकर। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करो, आप आंखें बंद करके इसको अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक ये आपके लीवर के लिए, ये आपके लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके गॉल ब्लैडर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका काढ़ा पीने से आपके लीवर की प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो सहमल हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड उससे ज़्यादा अच्छा वर्क हमारी स्किन के लिए भी करता है। जो सहमल होता है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसमें रोगाणुरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उसमें एनाल्जेसिम होता है, एंड उसमें ऑक्सीटोसिन गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो सहमल होता है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है हमारे स्किन के लिए और हमारी फुल बॉडी के लिए। जो सहमल की जड़ होती है, अगर आपके पिंपल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हद में हो गए हैं और आप सारे उपाय कर चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, हर तरह के डॉक्टर को भी दिखा चुके हो, मेडिसिन भी चला चुके हो और आपको कोई बेनिफिट, तो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइज आप मुझ पर भरोसा करके आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि आपको ये जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इसको यूज कैसे करना है अब हम लोग वो जानते हैं। अगर आपके पिंपल बहुत ज्यादा हैं तो आप क्या करो, सहमल की जड़ ले आओ, ठीक है। सहमल की जड़ आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि अरे हम सहमल की जड़ कहाँ ढूंढे, हमें तो इसकी नॉलेज भी नहीं है, सहमल कैसा दिखता है, उसकी जड़ कहाँ से मिलेगी, तो ये सब दिमाग में आता है। तो मैं आपको सीधा रास्ता बताती हूँ, आप अपने जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आसपास जहाँ भी पंसारी की दुकान हो तो पंसारी की दुकान में आपको सहमल की जड़ आसानी से मिल जाएगी। तो आप सहमल की जड़ ले आओ और उसको किसी भी पत्थर पे घिस लो,
ठीक है, आप साफ उसको कर लो और पानी से उसको घिस लो और उसका एक लेप तैयार कर लो, और उस लेप को आप अपने पूरे जहां जहां आपके पिंपल हैं तो आप उसमें पूरे उस लेप को लगा लो और उसको 1 से 2 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दो। अगर आप जैसे दिन में नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आपको कॉलेज जाना है या कोई भी काम करना है, आप नहीं लगा सकते हो, आप उसका लेप बना लो और उसको रात में सोने के पहले आप उसको लगा लो और सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे आपको एक दिन में ही उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इतना अच्छा आपको फर्क दिखेगा ना कि आपको, ज्यादा कहती हूँ कि आपको एक हफ्ते भी पूरा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 2 ही 3 दिन में इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि अरे वाह, ये मतलब एक रामबाड़ी राज में आपको बता रही हूँ। ये आपको इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना और आप इसको ट्राई जरूर करना। और जब आप इसको ट्राई करना तो आपको जो भी इसका रिजल्ट मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके फायदे के लिए हो, मैं और वीडियोस लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। सो आप इस तरीके से उसका लेप लगा लो तो आपके पिंपल बहुत हद तक चले जाएंगे। एंड जो इसकी पत्तियां होती हैं, अगर आप उसका काढ़ा बना के पीते हो तो आपको अतिसार की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। आपका जो अतिसार की प्रॉब्लम है, दस्त की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल बिल्कुल चली जाएगी। और अगर आपको सहमल की जड़ नहीं मिल रही है तो सहमल की अगर आपको सूखी पत्तियां भी मिल जाएं, हरी पत्तियां मिल जाएं, जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो आसानी से सब चीजें अवेलेबल है, बट जो शहर में रहते हैं तो शहर के लोगों को ये सब चीजें थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पंसारी की दुकान में इसको इजिली ले सकते हो। तो आप, अगर आपको छाल नहीं मिली है तो आप सहमल की पत्तियों को घिस लो, ठीक है, आप दूध में भी आप इसको घिस सकते हो। तो सहमल की पत्तियों को घिस लो, उसका एक पेस्ट बना लो और अपने, अगर आपके कील मुहासे हैं, पिंपल्स हैं या आपके बड़े बड़े अगर दाने भी हो गए हैं तो उसमें भी आप उस लेप को इस तरीके से रख लो और 1 से 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दो। तो जब आप इसको, अगर आपके बड़े बड़े दाने हैं तो आपके 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर आपके कील मुहासे हैं तो 2-3 दिन में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप खुद बताओ कि इतना ज़्यादा ये क्विकली रिजल्ट आपको दे रहा हो बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो ये है ना बिल्कुल बिल्कुल एक मैजिकल, आपको ये एक जड़ी बूटी मैंने बताई है। एंड जो सहमल का जो पेड़ होता है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें इतने शोध हुए हैं, इतने ज़्यादा इसमें रिसर्चेज हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बताया गया है कि इसमें एंटी एजिंग की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, अगर आप 60 साल के भी हो गए और आपकी झाइयाँ झूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अगर आप इसका लेप यूज़ करते हो अपने फेस पे या इसकी पत्तियों का रस यूज़ करते हो अपने फेस पे, तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, आपकी जो झूरियाँ हैं वो भी बहुत हद तक बिल्कुल कम हो जाएंगी। मतलब ये बच्चों से लेके ये बूढ़ों तक, ये हर एज में आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट ही देगा, लाभ ही देगा। अगर आपके झाइयां बहुत ज्यादा हैं, झाइयों की एक उम्र बता दी गई है कि नहीं, अगर आप 40 से ऊपर हो तो आपके झाइयां हैं, बट आजकल का ऐसा रहन सहन है, इतने ज्यादा पोल्यूशन, धूप, मिट्टी है कि आप खुद देख लो, अगर कोई टीनएजर्स भी अगर डेली रूटीन में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, तो आप उनके ही फेस को देख लोगे कि उनके भी झाइयां थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगती हैं। तो ये सिर्फ एक, अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं कि नहीं, सिर्फ एक एज पे ही आके आपको वो सारे साइन दिखेंगे। आजकल खान पान ऐसा हो गया है, पोल्यूशन, मिट्टी, इतनी धूल, इतना ज्यादा हो गया है कि आपको छोटी छोटी उम्र में भी ये सब चीजें प्रॉब्लम दिखने लगेंगी। तो अगर आपकी झाइयां हैं और आपकी उतनी एज नहीं है और आप बहुत परेशान हो, तो आप ये कर सकते हो, जो सहमल की जो कांटे होते हैं, जो शंकु टाइप के कांटे होते हैं उस पेड़ में, आप देखना गूगल में, आप सर्च करना, तो उसका जो पूरा पेड़ होता है उसमें शंकु टाइप के ऐसे ऐसे बिल्कुल कांटे होते हैं उस पेड़ में, तो आप वो कांटे अगर आपको मिल जाए, अगर आप गांव वगैरह में रहते हो, अगर उसके कांटे आपको मिल जाए तो उसको आप तोड़ लो और तोड़ के आप उसको धूप में बिल्कुल अच्छे से सुखा लो, और जब वो अच्छे से सूख जाए तब आप उसका पाउडर बना लो, और पाउडर बनाने के बाद आप पानी में आप उसको घोल के और उसको अपनी झाइयों पे लगाओ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते में आपकी झाइयाँ बिल्कुल चली जाएंगी। अगर आपकी उतनी एज नहीं है, आप कम एज के हो और समय से पहले आपकी झाइयाँ हो गई हैं, तो 1 हफ्ते में आपकी झाइयाँ बिल्कुल चली जाएंगी। उम्र का जो तकाजा होता है, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनकी भी चली जाएंगी, बट उनकी जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनकी एज हो गई है, बट जिनकी एज नहीं है और झाइयाँ हो गई हैं तो उनको ये बहुत जल्दी रिकवर करेगा। सो गाइस इसके इतने बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, बस हम लोगों को पता नहीं होता है, हमारे आसपास ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग उससे अपने बालों को, अपने स्किन को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बट हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हर चीज़ के बारे में हम लोगों को जानकारी हो। आप खुद ही सोचो कि जब पुराना टाइम था, जब वैद्य होते थे तो उनको इतनी नॉलेज होती थी जड़ी बूटियों की, तो इसीलिए तो वो अपनी जड़ी बूटियों से ही इंसान को कितनी जल्दी ट्रीट कर देते थे, वो कितनी जल्दी को रिकवरी मिलती थी। बट आजकल हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो हफ्ते, 10 दिन, महीना भर तो हम लोगों को रिकवर होने में ही लग जाता है।
सो गाइस, ये सहमल की जड़ बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है हमारी स्किन, हमारी हेल्थ को, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। और एक बार मेरे कहने से आप अपने कील मुहासों पे, अपनी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम में इसको यूज करके देखना, और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब अगर आप ये पूछो कि क्या मैंने यूज किया है, तो हाँ मैंने इसको यूज़ किया है। मुझे हो गए कम से कम, मुझे तीन चार साल मुझे हो गए हैं, 3-4 साल पहले की बात है। मेरे काफ़ी दाने वगैरह निकल रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सहमल की जड़ को पाउडर बना लिया था। मैं ऐसे ही पंसारी की दुकान से खरीद के लाई थी, तो वो पूरी ऐसे ही जड़ मिल गई थी मुझे, तो मैंने उसको पाउडर बनाया और छाना उसका, तो जो उसका पाउडर था ये बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनेगा। मैं आपको पाउडर उसका दिखाती हूँ। देखिए, तो मैंने जो सहमल की जड़ में लाई थी, तो मैंने उसका जो पाउडर बनाया था, तो उसका जो मोटा मोटा पार्ट था वो मैंने फेंका नहीं, मैंने उसको भर के रख लिया है। तो उसका जो था वो कुछ इस टाइप में था, तो उसका जो मोटा मोटा पार्ट था वो कुछ इस टाइप में था, ठीक है, कुछ इस टाइप में था। ये मोटा मोटा पार्ट है, ये मैंने छान के रख लिया था। जो इसका मोटा मोटा पार्ट है ये मैंने एक अलग डिब्बे में करके रख ली थी, और जो इसका पाउडर है वो मैंने अलग डिब्बे में करके रख ली थी। तो इसका जो मोटा मोटा पार्ट है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो आप भी इसको अगर पीसना, तो इसका मोटा पार्ट आप फेंकना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे, अगर आपके जैसे काफ़ी बड़े बड़े दाने हो रहे हैं, तो आप इसके मोटे पार्ट को भी आप पानी में करके और उसको अपना लगा सकते हो उस जगह, या इसका काढ़ा बना के भी आप पी सकते हो, तो मोटा पार्ट उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सहमल की जड़ का पाउडर, जो मैंने डिब्बी में मैंने भर कर रख लिया था इसका पाउडर। और भूल ना जाऊँ कि ये डिब्बी किस चीज़ की है, तो मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ भी था सहमल। तो मैंने कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये इसका पाउडर है, दिख रहा है, ये इसका पाउडर मैंने बना के रख लिया था, ये देखिए। तो अगर आप इसको पानी में घोलोगे भी, अगर आप सोचो इसका पेस्ट बना लो, तो जैसे मुल्तानी मिट्टी घोलने में वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है, तो ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। बट आप इसको घोल के थोड़ी देर फुला लो पानी में, और थोड़ी देर इसको फुला के फिर आप इसको अपने पिंपल वगैरह में रख लो, और जो इसका, अगर आप इसको भिगो के इसका अगर पानी को भी अपने फेस पे लगाते हो, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको कील मुहासों में। और आपकी जो जो गहरे गहरे गड्ढे भी अगर आपके हो गए हैं कील मुहासों से, आपके पिंपल से, किसी किसी के आपने देखा होगा कि किसी किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उसके भी गड्ढे हो जाते हैं, या कील मुहासों से भी गड्ढे हो जाते हैं अपनी स्किन में, तो आप अगर इसको अपने पानी में भिगो के आप इसको पेस्ट बना के अगर आप अपने गड्ढों में भी रखोगे ना, तो आपके गड्ढे भी धीरे धीरे भरने लगेंगे। तो अब खुद सोचो कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा कोई क्रीम की, किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तभी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप सिर्फ इसको यूज़ करो, इसके पाउडर को यूज़ करो, और ये आपके सारे स्किन प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आपके स्किन को ब्राइट नहीं करेगा, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि आपके स्किन को ये ब्राइट नहीं करेगा, बट आपके जो पिंपल्स हैं, जो कील मुहासे हैं, जो बड़े बड़े दाने हैं फेस पे, जो आपके फेस पे गड्ढे हैं, तो इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपकी झाइयाँ हैं उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो सीधी सा बात है, जब यही सब आपके चेहरे पे नहीं रहेंगी, तो सोचिए आपका चेहरा ऐसे ही बहुत सुंदर दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको यूज़ करो, एंड आप जिस तरीके से मैंने इसको बना के रखा है, आप एक बार पंसारी की दुकान से ले आओ, पीस के इसकी मोटा पार्ट अलग भर के रख लो, पाउडर अलग भर के रख लो, जब आपको दिक्कत लगे आप इसको यूज़ करो, बाकी आप रख रहे दो। इसको आप सालों महीनों तक आप रखो, ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है, बट पानी नहीं जाना चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। सो गाइस, आप इसको जरूर यूज़ करना, और इसका जो भी आपको बेनिफिट मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। बट मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि, वैसे तो मैं अपने सारे वीडियो में श्योर होती हूँ, क्योंकि मैं खुद पूरा जांच पड़ताल करके ही, पूरा परख के, अपने ऊपर यूज़ करके ही मैं आपको वो रेमेडी बताती हूँ। तो मैं पूरी श्योरिटी जब मैं हो जाती हूँ, तभी मैं आपको वो रेमेडी और वो चीज़ आपको बताती हूँ कि आप अपने ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको जरूर यूज़ करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नॉलेज आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।